हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सभी लेवल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग डेल्टा कॉर्प शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 2.25% का मूवमेंट देखने को मिला। स्टॉक 2.25% के तेजी के साथ फाइनली क्लोज हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे तो डेल्टा कॉर्प शेयर का एक्स डिविडेंड डेट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में है। यहाँ पे कंपनी ने आपको 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, और जो एक्स डेट है वो है आपको जुलाई 7। तो एक्स डेट में क्या होता है, आपको जितना डिविडेंड अमाउंट रहता है वो रिड्यूस होके स्टॉक ओपन होता है। तो कल जो है यहाँ पे स्टॉक जो है आपको गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे मंथली चार्ट में, इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अब ब्रेकआउट कहाँ पे देखने को मिला है, स्टॉक में एक शार्प फॉल हुआ 3 मंथ कंटिन्यूसली, उसके बाद फर्स्ट टाइम पुल बैक लिया, अगेन स्टॉक यहाँ पे पुल बैक लिया। क्लियरली अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक हायर लो का फॉर्मेशन मिला, और उसके बाद स्टॉक ने अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके यहाँ पे जो है आपको मई मंथ में क्लोजिंग हुआ, उसके बाद जून मंथ में भी स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया, और फाइनली जो है यहाँ पे अभी भी स्टॉक जो है 250 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी अगर बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को स्टॉक में एक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 4 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी इस वीक का जा चुका है। यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद जो है एक पुली सिंगल फिन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। इस वीक की अगर बात करेंगे तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी इस स्टॉक में तेजी होगा वो आपको 260 के लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जब मदर कैंडल के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है 260 का लेवल एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर 260 के लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर जाता है डेली बेसिस पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा पोजीशन हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे कि आप इस स्टॉक में 230 के डाउनसाइड के एसएल के साथ इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर की साइड जैसे जैसे स्टॉक आपके फेवर में जाता जाएगा, यहाँ से जैसे ही स्टॉक 280 जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करके 250 के नीचे कर सकते हैं। और एक बार अगर वापस से स्विंग बना देता है तो उसके बाद स्टॉक में जो है आप ट्रेल करके इस स्विंग के नीचे अपने पोजिशन को रख सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। और इन केस अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो फिर आपको वहां पे लॉस भी कम होगा। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आप यहां पे होल्ड कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।